हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पोटली अनीता की। तो आज हम बनाएंगे कॉर्नफ्लेक्स नमकीन। जब तक मिठाई के साथ कुछ चटपटा नमकीन ना हो तो टेस्ट अधूरा रह जाता है। तो हम नमकीन के लिए एक हेल्दी सा नमकीन रेडी करेंगे। ये मेरे पास है रोस्टेड कॉर्नफ्लेक्स, और ये है मेरे पास कैल्शियम से भरपूर मखाने, और ये हैं थोड़े से काजू, और ये है मेरे पास मूंगफली, कच्ची गिरियां हैं मूंगफली की, और ये है मेरे पास किशमिश। आप इसमें से कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, और कोई भी चीज इसमें से स्किप कर सकते हैं। और कुछ हम लेंगे इसके साथ मसाले। बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने अपनी गैस कर ली है ऑन, और इसके ऊपर एक मैंने छोटी सी कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। थोड़ा सा देसी घी डालेंगे बस, और देसी घी में हम डाल देंगे एक चुटकी नमक। इसमें मैं डाल देती हूँ मखाने। अब हम इनको रोस्ट कर लेते हैं क्रिस्पी होने तक। शुरू में जब तक हमारी कढ़ाई गर्म नहीं होती तब तक हम हाई फ्लेम रखते हैं, और फिर मीडियम कर लेते हैं। मीडियम टू स्लो में ही हम मखाने रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे मखाने बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। ये देखिए मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं, टूट रहे हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। इन्हें हमने इस बाउल में निकाल लिया है। अब हम एक दूसरी कढ़ाई रखते हैं। दूसरी कढ़ाई में मैं डाल दूंगी 2 चम्मच तेल। इसके अंदर फिर से हम डालेंगे 1 चुटकी नमक। मखाने को हमेशा देसी घी में ही रोस्ट करना चाहिए, क्योंकि देसी घी में मखाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब इनको भी हम भून लेते हैं। पहले इनको हम फुल फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। अब मैंने गैस को सिम कर दिया है, क्योंकि हमारी मूंगफली ये देखिए फटने लगी है। इट मीन्स ये पूरी तरह से गर्म हो चुकी हैं। इनको हमने काला होने से बचाना है, लेकिन क्रिस्पी करना है। तो ये मूंगफलियां भी हमारी हो चुकी हैं, इनको मैं सेपरेट अलग से निकाल देती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ 1/2 चम्मच ऑयल, 15-20 फ्रेश करी लीव्स। आप ड्राई हैं तो ड्राई भी डाल सकते हैं। इनको मैंने वॉश करके सुखा लिया है। गैस को आप सिम कर लीजिए। ये हमारे करी पत्ता क्रिस्पी हो गए हैं बिल्कुल, तो कुरमुरा होने तक हमने इनको भी रोस्ट कर लिया। गैस हमारी सिम है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें कुछ काजू की टुकड़ी, इनको भी हम रोस्ट कर लेते हैं। इनका भी कलर हमने चेंज नहीं होने देना है, सिर्फ क्रिस्प होने तक रोस्ट करना है। काजू भी हमारे हो चुके हैं, क्रिस्प हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी किशमिश। ये सभी चीजें ऑप्शनल हैं, आप कोई भी चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट, और कोई भी चीज इसमें से स्किप कर सकते हैं। इनको भी थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं। इनको रोस्ट करने का एक फायदा ये भी है कि खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, और कुछ इनका मॉइस्चर जब उड़ जाता है तो फिर ये हमारा नमकीन जल्दी से खराब नहीं होता। किशमिश भी हमारी हो चुकी है। अब इसमें हम हमारे मखाने ऐड कर देंगे, हमारी मूंगफलियां ऐड कर देंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे कुछ मसाले। नमक स्वादानुसार 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे हमारा कॉर्नफ्लेक्स। अब इसको हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई भी नमकीन भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, बीकानेरी भुजिया, बूंदी, या फिर कोई भी सेव। मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा हम शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये इसमें मैं थोड़ा सा पिसा हुआ शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसको खूब अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये एक हमारा बहुत हेल्दी
नमकीन रेडी हो गया है। इसको आप कितने भी दिन तक रख के खा सकते हैं। इसको थोड़ी सी देर हम ठंडा होने देंगे। गैस मैंने ऑफ कर दी है। ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लेक्स का कुरमुरा रेडी हो गया है। इसको बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। हम अपने मनपसंद चीजें डाल के इसमें झटपट से बना के खा सकते हैं, और मिठाइयों के साथ तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। जब मीठा खा खा के हो जाए बोर, जब भी आप किसी को ऑफर करेंगे तो वो इसको छोड़ेंगे नहीं, ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपने बनाया तो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।